अब हर रोज सुबह की चाय के साथ। देखिए सुनिए मेरे साथ, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य, आपके लिए लाया हूं दुनिया का खबरनामा। दुबई में भारतीय मुस्लिम ने अपने बेटे का नाम नरेंद्र मोदी रखा। दुबई में रहने वाले एक भारतीय ने अपने नवजात शिशु का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी रखा है। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले मुश्ताक अहमद दुहाटा में डेकोर कंपनी में रख रखाव कर्मचारी के तौर पर कार्यरत है। 23 मई को पैदा हुए अपने बच्चे का नाम उन्होंने मोदी रखने का फैसला किया है। अहमद ने खलीज टाइम्स को कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी छोटे मोदी को देखने हमारे गाँव आए और उन्हें आशीर्वाद दें, यह मेरे बेटे और परिवार के लिए सम्मान की बात है। भारतीय छात्र को विज्ञान मेले में पहला स्थान। दुबई में रहने वाले भारतीय किशोर ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले का प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाने वाले 100 क्षेत्रीय प्रतियोगियों की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है। बिजली की बर्बादी पर लगाम लगाने और स्ट्रीट लाइटें स्मार्ट बनाने की उसकी परियोजना के लिए भारतीय किशोर को पहला स्थान मिला। ब्राजील की जेल में कैदियों की झड़प, 57 की मौत। ब्राजील की 4 जेलों में एक साथ हुई कैदियों की झड़प में 57 कैदियों की मौत हो गई है। उत्तरी ब्राजील में स्थित मेजोनस राज्य की राजधानी मनौस से करीब 28 किलोमीटर दूर स्थित जेल में कैदियों के मिलने के समय के दौरान हिंसा शुरू हुई, जिसमें अब तक 57 कैदी मारे जा चुके हैं। लड़ाई की वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोप में हिंदू डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत में ईश निंदा के आरोप में एक हिंदू पशु चिकित्सक को गिरफ्तार कर लिया गया। एक मौलवी ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद डॉक्टर रमेश कुमार को हिरासत में ले लिया गया। इस घटना के बाद प्रांत के मीरपुर खास में फुलाडायन नगर में आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं की दुकानों में आग लगा दी और टायरों को जलाकर सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। कराची और सिंध प्रांत में बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं। यह घटना दक्षिणी सिंध प्रांत की है। ब्रिटिश भारतीय उद्यमी दिनेश धमीजा यूरोपीय संसद के सदस्य निर्वाचित। भारतीय मूल के उद्यमी धमीजा लंदन से यूरोपीय संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं। अमेरिका में जाने वाले चीनी पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट। लगभग एक दशक तक तेज वृद्धि के बाद अमेरिका जाने वाले चीन के पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है। राष्ट्रीय यात्रा एवं पर्यटन कार्यालय के अनुसार 2018 में अमेरिका जाने वाले चीन के पर्यटकों की संख्या 5.7% से घटकर 29 लाख रह गई है। 2003 के बाद यह पहला मौका है जब चीनी पर्यटकों की संख्या में इतनी बड़ी गिरावट आई है। सिंध में HIV के 600 नए मामले सामने आए। पाकिस्तान ने WHO से मांगी मदद। पाकिस्तान सरकार ने सिंध प्रांत में हाल में HIV के अनेक मामले सामने आने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन से मदद मांगी है। राज्य में अब तक 600 से अधिक लोग एड्स के विषाणु से ग्रस्त हो चुके हैं, जिनमें अधिकतर बच्चे हैं। इस देश में पड़ रहा है रिकॉर्ड तोड़ सूखा। नल खुला छोड़ने या बगीचों में पानी देने पर लगेगा $500 तक का जुर्माना। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रिकॉर्ड सूखे के बीच दशक में पहली बार व्यापक जल प्रतिबंधों की मंगलवार को घोषणा की गई। न्यू साउथ वेल्स सरकार ने बताया कि सिडनी क्षेत्र के जलाशयों में 1940 के दशक के बाद से लगातार जल स्तर कम हो रहा है और अगले सप्ताह प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। सिडनी में नल खुला छोड़ने या बगीचों में पानी देने पर $220 से $500 का जुर्माना लगाने का नियम लागू कर दिया गया है। और अंत में एक बड़ी खबर, मोदी के शपथ ग्रहण में पाक को निमंत्रण नहीं। नरेंद्र मोदी द्वारा अपने शपथ ग्रहण में इमरान खान को नहीं बुलाने से पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी बिलबिला गए हैं। कुरैशी को लगता है कि यह पाकिस्तान की एक प्रकार से तोहीन है। साथ में कुरैशी यह कहना भी नहीं भूले कि भारत प्रधानमंत्री की आंतरिक राजनीति उन्हें इमरान खान को आमंत्रित करने की इजाजत नहीं देती है। पर शायद पाकिस्तान को मालूम नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने बिमस्टेक देशों के नेताओं को ही अपने शपथ ग्रहण के लिए बुलावा भेजा है। इस समूह का पाकिस्तान बिल्कुल भी सदस्य नहीं है, बल्कि बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल बिमस्टेक के समूह में आते हैं। इससे पूर्व 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के तत्काल प्रधानमंत्री नवाज शरीफ शामिल हो चुके हैं। इसी के साथ इजाजत दोस्तों, जय हिंद।